गाइज, मैं हूँ प्रीति एंड वेलकम बैक टू मदर स्क्वेयर्ड। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो आ गई हूँ मैं फिर से एक और वीडियो लेके आप लोगों के लिए, और ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपका बेबी है या फिर आप बेबी डिलीवर करने वाले हैं तो भी आपके लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। इसको आप अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर भी कर सकते हैं जिनके ऑलरेडी बेबीज हैं। सो वीडियो क्या है? वीडियो इज अबाउट फूड एलर्जी। कई बार हमें आइडिया नहीं होता है कि कोई भी एलर्जिक रिएक्शन या बेबी की अगर तबीयत खराब है तो वो फूड एलर्जी की वजह से है। कुछ ऐसे फूड्स होते हैं, कुछ ऐसे खाने होते हैं जिनकी वजह से बेबी को एलर्जी हो जाती है और उसकी तबीयत खराब हो जाती है। अभी तो हम बात करने वाले हैं फूड एलर्जी की। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि फूड एलर्जी होती क्या है। जब फूड एलर्जी इज समथिंग कि जब भी आपके बच्चे ने कुछ खाया, उस खाने की वजह से उसकी बॉडी पर कुछ अफेक्ट हुआ जो कि नेगेटिवली अफेक्ट हुआ, तो वो एलर्जी कर दी उस पर्टिकुलर फूड ने बेबी को, उसको हम फूड एलर्जी बोलते हैं। जिसके कि किसी भी फूड के अगर इम्पैक्ट अच्छे नहीं है बेबी की बॉडी पर, सो दैट इज अ फूड एलर्जी। अब हम बात करते हैं कि फूड एलर्जी बेबी को हुई है तो हमें कैसे पता चलेगा कि उसको फूड एलर्जी हुई है, क्या इसके सिम्टम्स होते हैं। सो कुछ, जब भी आप बेबी को कोई भी नया फूड दे रहे हैं, कुछ भी ऐसी नई चीज़ दे रहे हैं जिसकी वजह से आपको लगता है कि एलर्जी हो सकती है, तो आई वुड सजेस्ट कि पहले आप थोड़ा दीजिए और उसके बाद में थोड़ी देर मॉनिटर करिए कि उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। तो कॉमन सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? इचिंग हो सकती है उसके माउथ में, उसके लिप्स पर, उसके थ्रोट में, उसको खांसी हो सकती है, थोड़ी रेडनेस हो सकती है उसके माउथ में, उसके लिप्स पर, अगेन उसके थ्रोट में, उसके टंग पर भी इचिंग हो सकती है। इसके अलावा बॉडी के किसी भी पार्ट में इचिंग हो सकती है, मे बी उसके हैंड्स पर भी इचिंग हो, फुट में इचिंग हो, बॉडी पर कहीं इचिंग, तो वो आपको देखना है। इसके अलावा स्वेलिंग हो सकती है उसके मुंह के अंदर, छाले हो सकते हैं, स्वेलिंग हो सकती है, या बॉडी के किसी पार्ट में स्वेलिंग हो सकती है। इसके अलावा बेबी को क्रैम्प्स भी हो सकते हैं, हल्का फुल्का उसको पेन हो सकता है, या पेन काफ़ी ज़्यादा भी हो सकता है वो पर्टिकुलर फूड खाने के बाद में, तो पेन भी एक इसका सिम्टम है। अगेन उसको वॉमिटिंग भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है उसको हर केस में वॉमिट हो नहीं हो, बट वॉमिट इज ऑल्सो काइंड ऑफ सिम्टम्स फॉर दी फूड एलर्जी। अगर उसको वॉमिट हो रही है तो यू शुड मॉनिटर कि किसी फूड की वजह से तो नहीं है जो आपने नया इंट्रोड्यूस कराया है। इसके अलावा बेबी को रैश हो सकते हैं, अगर उसकी बॉडी पर रैश हो रहे हैं दैट ऑल्सो इंडिकेट कि फूड एलर्जी की वजह से वो रैश हो सकता है। इसके अलावा हल्का फुल्का फीवर हो सकता है, या फीवर बहुत ही सर्व भी हो सकता है। अगर उसको फीवर हो रहा है तो माइल्ड फीवर है या बहुत ही ज़्यादा है, डजेंट डिपेंड, बट उसको अगर फीवर हो रहा है किसी पर्टिकुलर फूड खाने के बाद तो दैट मे बी एलर्जिक रिएक्शन। और बेबी को अगर डायरिया हो रहा है तो उसको पॉटी लग गई है, या फिर उसको वॉमिट और डायरिया दोनों हो रहे हैं, तो दैट कैन ऑल्सो इंडिकेट कि उसको फूड एलर्जी हुई है। सो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं जिनसे आप पता लगा सकते हैं कि बेबी को फूड एलर्जी हुई है। अब इन सिम्टम्स से हम ये तो पता लगा सकते हैं कि फूड एलर्जी है, बट अगर किसी बेबी को ऑलरेडी फूड एलर्जी हो जाए तो उसको हमें क्या करना चाहिए इमिडिएटली, और हम इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। सो अभी तक इतना पता चला है कि फूड एलर्जी के लिए एज सच कोई मेडिकेशन नहीं है कि मतलब ये आप दे दो तो उस पर्टिकुलर फूड से एलर्जी नहीं होगी। जहां तक ये सजेस्ट किया जाता है कि जिस भी फूड से एलर्जी हो रही है बच्चे को, उस फूड को आप अवॉइड करिए, उस फूड को आप मत दीजिए। बट अगर आपको फर्स्ट टाइम ये आइडेंटिफाई हुआ है कि फूड एलर्जी बच्चे को हो गई है, तो आप सबसे पहले अगर कुछ भी आपको ऐसा सिम्टम दिख रहा है, वॉमिट है, रैशेज है, पेन हो रहा है, उसके फीवर है, उसको कुछ भी ऐसा सिम्टम्स है, इमीडिएटली यू शुड गो टू द डॉक्टर। फर्स्ट स्टेप आपका यही होना चाहिए विदाउट एनी डिले। इवन इफ आपने वो खाना, पर्टिकुलर फूड देना बंद कर दिया है, फिर भी आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। कोई और कॉम्प्लिकेशन या क्रिटिकल तो नहीं हो रहा है बच्चे के साथ में, वो जानने के लिए इमीडिएटली आप डॉक्टर के पास गए, वहाँ जाके आपने दिखा लिया, डॉक्टर जो भी सजेस्ट किया पहले तो आप वो करिए। प्लस इसके साथ साथ देर आर सम टिप्स जो मैं आपको बताऊंगी। अगर आपका बेबी ब्रेस्ट फीडिंग पर है तो आप ब्रेस्ट फीड के टाइम पर आप खुद भी एज ए मदर वो फूड मत खाइए जिससे कि बच्चे को एलर्जी हो रही है, बिकॉज जब आप खुद वो फूड खाएंगे आपके ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू वो बच्चे तक जाएगा और उसको एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। सो आई वुड सजेस्ट कि आप ब्रेस्ट फीड अवॉइड करिए, वो फूड अवॉइड करिए उस पर्टिकुलर टाइम पर जब तक बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा रहा है। अपने डॉक्टर से, डॉक्टर इमरजेंसी किट प्रोवाइड कर देते हैं जिन बच्चों को काफी से सर्व फूड एलर्जीज होती हैं, उन सिनेरियोज के लिए डॉक्टर एक इमरजेंसी किट प्रोवाइड कर देते हैं। तो अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से या जो भी आपके डॉक्टर हैं उनसे आप बात करके वो इमरजेंसी किट ले सकते हैं, सो दैट कि इन एनी सिनेरियो आप कहीं बाहर हैं, वहाँ पर बच्चे को एलर्जी हो गई और बहुत ही ज़्यादा हो गई, तो उस सिनेरियो में आपको क्या करना है वो आप अपने डॉक्टर से इमरजेंसी किट लेके रखिए और इंस्ट्रक्शन प्रॉपर अच्छी तरह से फॉलो करिए। इसके अलावा जो भी फूड आप कोई नया फूड इंट्रोड्यूस करा रहे हैं बच्चे को, सो पहले आप ट्राई करिए कि बहुत ही थोड़ी सी क्वांटिटी में बच्चे को दीजिए और ऑब्जर्व करिए कि उससे उसकी बॉडी पर कोई रिएक्शन तो नहीं है। ये चीज़ आपको फर्स्ट वन ईयर में तो करनी ही करनी है, बिकॉज उस जब हम 6 महीने से बच्चों को सॉलिड देना स्टार्ट करते हैं उससे लेके 1 साल तक सब चीज़ उसके लिए नई है, सब चीज़ उसके स्टमक के लिए नई है, तो जो भी उसकी बॉडी के अंदर जा रहा है वो प्रॉपर टेस्ट होकर जाना चाहिए कि उसकी वजह से कोई एलर्जी तो नहीं हो रही है। सो ये कुछ तरीके हैं जिनसे आप प्रिवेंट कर सकते हैं और इलाज कर सकते हैं फूड एलर्जी का। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे फूड्स हैं जिनसे कि बहुत ही प्रोमिनेंट एलर्जीज हो सकती हैं, जो कि काफ़ी देखा गया कि जिनकी वजह से एलर्जी होती है। सो एग,
एग की वजह से काफ़ी एलर्जी होती है बच्चों को. मिल्क जो हम काऊ मिल्क देते हैं, बफेलो मिल्क देते हैं, तो इट मे बी कि बच्चे को एलर्जी होता है बिकॉज वो दूध कहाँ से आ रहा है, उस पर्टिकुलर काव में या बफेलो में कुछ डिसीज तो नहीं है उसको जिसकी वजह से बच्चे को एलर्जी हो सकती है, तो मिल्क भी इसका एक कॉज है. पीनट्स, मूंगफली जो होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा देखी गई हैं कि जिनकी वजह से बच्चों में एलर्जी होती है. इसके अलावा फ़िश, रॉ फिश या रॉ एग आप बच्चे को दे रहे हैं तो फ़िश भी इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है फूड एलर्जी का. सोया, कुछ पर्टिकुलर वीट्स भी होते हैं जिनकी वजह से बच्चे में फूड एलर्जी होती है, तो ये कुछ फूड्स हैं जो काफ़ी कॉमन है जिनकी वजह से एलर्जीज देखी गई हैं. अब हम बात करते हैं स्पेशल टिप के बारे में जो मैं आप लोगों को यहाँ बता रही हूँ कि अगर आपका बेबी छोटा है, अगर उसको फूड एलर्जी ऑलरेडी हो गई है तब तो आप प्रिवेंट ही कर सकते हो या उसको ट्रीट करा सकते हो, बट अगर आप कैसे अपने बच्चों को उस फूड पर्टिकुलर फूड एलर्जी से बचा सकते हो कि एलर्जी उसको हो ही ना. सो ट्राई करिए कि इनिशियल 6 मंथ जो होते हैं, जैसा कि डॉक्टर्स ही बोलते हैं कि इनिशियल 6 मंथ बेबी को जितना पॉसिबल हो आप ब्रेस्ट फीड कराओ, बिकॉज ब्रेस्ट फीड जितना आप कराएंगे ब्रेस्ट फीड में, बिकॉज ब्रेस्ट फीड अपने आप में गोल्डन मिल्क या मिरेकल मिल्क हम इसको बोलते हैं, जितना ज़्यादा आप बच्चे को फीड कराएंगे उतना ज़्यादा बच्चे की इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है. तो पॉसिबल एटलीस्ट स्टार्टिंग 6 मंथ तो आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराइए एक्सक्लूसिवली. इसके साथ साथ अगर आप इसके साथ साथ ट्राई करिए कि 1 साल तक बच्चे को काओ या बफेलो मिल्क मत दीजिए. जब आप ब्रेस्ट फीड मे बी किसी सिनेरियो में आप ब्रेस्ट फीड नहीं करा पा रहे हैं या फिर आपने 6 महीने तक करा दिया उसके बाद आपको कोई ऑप्शन ढूंढना है दूध का, तो आप फॉर्मूला पर जा सकते हैं. एटलीस्ट 1 ईयर तक आप ट्राई करिए कि बच्चे को काओ या बफेलो मिल्क आप ना दें. और एक गलती कई बार हम करते हैं कि बच्चे को 6 महीने से पहले ही हम सॉलिड देना स्टार्ट कर देते हैं या फिर प्यूरीज देना स्टार्ट कर देते हैं, तो डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं कि 6 मंथ तक आप वेट करिए. अन्नप्राशन संस्कार भी हमारे यहाँ 6 महीने के बाद ही किया जाता है, तो 6 महीने तक आप वेट करिए उसको कोई भी सॉलिड देने से पहले या फिर उसको कोई भी प्यूरी देने से पहले, बिकॉज वो जो टाइम होता है उस टाइम बच्चे का स्टमक सेटल हो रहा होता है, तो उस टाइम आप जितना ज़्यादा उसको ब्रेस्ट फीड या फिर अगर किसी सिनेरियो में ब्रेस्ट फीड नहीं दे पा रहे हैं फॉर्मूला दे रहे हैं तो वही दीजिए. आफ्टर 6 मंथ ही उसको कोई फूड इंट्रोड्यूस करिए. तो ये कुछ टिप्स हैं जिनसे आप बच्चे को बचा सकते हैं किसी भी फूड एलर्जी से. छोटे छोटे टिप्स हैं बट आपके बहुत काम आने वाले हैं. सो इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. अगर वीडियो पसंद आया तो अभी लाइक बटन पर क्लिक करना और चैनल को आई होप आप सब्सक्राइब कर चुके होंगे. हमारे ब्लॉगिंग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा. मैं अगेन फिर से बोलूंगी बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि उस पर जो शॉर्ट वीडियोज है ना वो देखने में आपको काफी मजा आने वाला है. सो अभी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेकआउट कर सकते हैं. विल मीट यू द नेक्स्ट. We'll be right back.